नमस्कार है, स्वागत है। और आजादी घराने का जो कायदा पिछले इलेक्शन में, लिंक दे दूंगा नीचे, जो लोग नए हैं उनके लिए ये सूचना है, उनके लिए ये जानकारी है कि मैं पिछले कई बेसिक लेसन एडवांस लेसन दिया हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप प्लीज़ 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 पिछले लेसन को सर्च करें, जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जस्ट पीछे एक लेसन पहले मैंने आजादी घराने का कायदा दिया और उम्मीद से बढ़ के उस कायदा को लोगों ने देखा है, तो मैं तो उसका पलटा, उसका प्रस्ताव बाद में बनाता, किसी टाइम देता, लेकिन मुझे लगा कि दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीका से लोगों का मैं देखा हूँ रिएक्शन है, क्योंकि मैं बनारस घराने से हूँ, उस घराने से हूँ नहीं, लेकिन फिर भी अभी बैठ के मैं कुछ बेहतर पलटा बनाया हूँ। और बनाते समय मैं खुद को एज ए स्टूडेंट मैं ध्यान रखा कि इस पलटा में क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है, जिसके जरिए लोगों के हाथ में बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारी बात, बहुत सारा क्षमता आ जाए, ताकि वो किसी भी चीज़ को गीत में सुन के प्ले कर ले, किसी भी चीज़ को अपने हाथ में से आसानी से प्ले कर सके। तो इन तमाम बातों को मैंने ध्यान में रखा है और पलटा को बनाया है। पहले तो जो बोल है उसको एक बार फिर से रिमाइंड कर लें, ये ना कि पहले इसको देख ले बढ़िया से कि बोल का जो पार्ट है, घेना तिट घेना धागे तीन घेन धात्र धागे न धागे तीन, ये प्रत्येक पार्ट इसका चार पार्ट में डिवाइडेड है। फिर इसका जो खाली का पार्ट है उसमें भी चार पार्ट बनता है, तो इस हिसाब से 16 मात्रे का ये तीन ताल का बोल है। तो पलटा का जो रूप है इसको इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपको अगर भूल भी जाए जो पलटा मैं बताने वाला हूँ तो आपको याद रहेगा। तो पहले शुरुआत, पहला पलटा नंबर वन, मैं सात पलटा सात प्रस्ताव इसका बनाया हूँ। तो पहला प्रस्ताव ये देखें कि पहला जो पार्ट है घेना तिट घेना, इसको राउंडिंग करें, हर एक पार्ट को राउंडिंग करें तो एक बेहतर वेरिएशन बन के आएगा, और फिर हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ जो एनर्जी हाथ में आना है वो आपका आपको ऑब्जर्व हो सकता है, हाथ में आ सकता है, खूब रियाज करना है। तो पहला पलटा घेना तिट घेना को तीन बार बजाना है, और उसके बाद बाकी क्या बजाना है एक बार सुन लें पूरा, उसके बाद प्ले करें। बजाना है घेना तिट घेना घेना तिट घेना घेना तिट घेना धागे दीना गिन घेना तिट घेना धागे दीना गिन धात्री गिर धागे न धागे तीना गिन, ये पहला पलटा सुन ले तबला में। फिर से एक बार सुन ले घेना तिट घेना घेना तिट घेना घेना तिट घेना धागे दीना गिन घेना तिट घेना धागे दीना गिन धात्री गिर धागे न धागे तीना। इसी हिसाब से सेकंड पार्ट घेना तिट घेना घेना तिट घेना घेना तिट घेना धागे दीना गिन घेना तिट घेना धागे दीना गिन धात्री गिर धागे न धागे तीना। ये फर्स्ट पलटा बहुत बेहतर है, जब फास्ट में बजेगा तो बहुत अच्छा लगेगा और हाथ में क्षमता भी आएगा। ये पलटा फर्स्ट। सेकेंड पलटा में क्या करें, इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है, घेना तीट घेना, सेकेंड पार्ट में है धागे धीनगिन या धागे तीनगिन जो लिखा हुआ है देख लेना है, तो उसको सेकेंड पार्ट को आप राउंडिंग करें। बोल बनेगा घेना तिट घेना धागे दीना गिन, तो धागे दीना गिन को तीन बार घेना तिट घेना धागे दीना गिन धागे दीना गिन धागे दीना गिन, और फिर बोल का पहला पूरा बोल बजा दे घेना तिट घेना धागे दीना गिन धात्री गिर धागे न धागे दीना गिन। सुन ले एक बार कैसा लगेगा, पहले सुनो में फिर एक बार तेज में घेना तिट घेना धागे दीना गिन धागे दीना गिन धागे दीना गिन घेना तिट घेना धागे दीना गिन धागे दीना गिन घेना तिट घेना धागे दीना गिन धागे दीना गिन धागे दीना गिन घेना तिट घेना धागे दीना गिन धागे दीना गिन। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो ये सेकंड पलटा इसको बना के रखें, फास्ट बजेगा बहुत अच्छा लगेगा जब रिदम में बजेगा। पहले प्रैक्टिस सुरों में कर लें, निकाल लें, बोल में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसमें बोल बताया गया, उसको पहले बढ़िया से कर लें और सभी को कंटिन्यूअसली रियाज करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सातों पलटा अगर आप निरंतर रोज एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हाथ में बहुत सारी बात आ जाएगी, इतनी बात तो जरूर है इस घराने के बोल में। तो पलटा नंबर सेकेंड को अगर थोड़ा फास्ट प्ले में देखते हैं तो कैसा लगेगा, क्योंकि मैं फिर से बता दूं इस घराने से हूं नहीं, मैं अभी वही कुछ देर पहले बनाया हूं
और कोशिश करके थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बेहतर कर सकते हैं अगर शुरू से इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करें। पलटा नंबर थ्री में क्या करना है, तीसरे पार्ट को जिसमें है धात्री कृत घागेन उसको राउंडिंग करना है। उसको राउंडिंग करके प्रस्तार का जो बोल बनेगा वो इस प्रकार से, घेना किट घेना धागे दिन गिन धात्री कृत धागे न धात्री कृत धागे न धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन, अब फिर उसको जोड़ दें धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन, एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बजा के देखें, घेना किट घेना धागे दिन गिन धात्री धागे न धात्री धागे न धात्री धागे न धागे तीन गिन धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन। फिर से सेकंड पार्ट, केना किट केना धागे तीन गिन धात्री कृत धागे न धात्री धागे न धात्री तीन गिन। अब फिर उसमें तीन राउंड होने के बाद इसको एक बार आप शुरू से देख लें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रकार बसता है, जब फास्ट होगा तो एकदम कमाल का लगेगा। फिर से देख लें, घेना किट घेना धागे तीन गिन धात्री कृत धागे न धात्री कृत धागे न धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन। एक पार्ट, सेकंड पार्ट, केना किट केना धागे तीन गिन धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन। फिर से केना किट केना धागे तीन केना केना किट केना धागे तीन गिन धात्री कृत धागे न धात्री कृत धागे न धात्री कृत धागे न धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन। ये पलटा नंबर थ्री। पलटा नंबर फोर में चलें, इसमें क्या करना है, सबसे लास्ट पार्ट उसको राउंडिंग करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बाय फॉरगेट, क्योंकि हर एक पार्ट में पार्ट बाय पार्ट इसमें इसकी तैयारी हो जाएगी और सुनने में एक नया नया वेरिएशन आएगा, याद रखने में आसानी होगी। लास्ट पार्ट में क्या है, घेना तिट घेना धागे तीन गिने धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन, ये धागे तीन गिन जो लास्ट में है उसको राउंडिंग करें। उसको राउंडिंग करते हैं तो बोल बन के ये आएगा, सोलो मात्रा में कैसे कूड़ेगा ये देख लें। घेना तिट घेना धागे तीन गिने धात्री कृत धागे न धागे तीन गिने धागे तीन गिने धागे तीन गिने धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन, एक उसने भी जोड़ना पड़ेगा धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन, तो वो सोलह मात्रा गिनती किया हुआ पूरा हो जाएगा। एक बार बजा के देख लें पलटा नंबर चार को, घेना तिट घेना धागे तीन गिने धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन। फिर से घेना तिट घेना धागे तीन गिने धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन धागे तीन गिन धागे धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन घेना तिट घेना धागे तीन गिने धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन 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 धागे तीन गिन। ये पलटा नंबर चार, बहुत अच्छा लगेगा ये सब बोल, अगर फास्ट में बजेगा तो एकदम कमाल का लगेगा। एक बार देखें इसके पलटा नंबर चार को थोड़ा तेज करके, बहुत अच्छा लगता है साउंड। एक साथ पूरी पलटा का तैयारी करके अगर बजाएं तो फिर मंच पे और कुछ बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया से 5 मिनट की तैयारी हो तो 5 मिनट का बोल क्यों कमाल कर जाएगा। चलिए पलटा नंबर पांच में क्या है कि थोड़ा सा हटके है, इसको मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप लोग बजा के देखिए कैसा लगता है, मैं अभी भी तैयार किया हूँ। इसमें क्या करना है, बोल है घेना 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 तीटे घेना 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 तीटे घेना 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 तीटे घेना धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन, ये बोल है, बजाना है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट में फिर से जब फास्ट होगा तो आप सोच के देखिए कि आपकी बायां का आपके गाने का कितना मजबूती आ जाएगा इस बोल से। इसको करें आप लयबद्ध तरीका से, घेना 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 तीटे घेना 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 तीटे घेना 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 तीटे घेना धागे कृत धागे न धागे तीन गिन। इस हिसाब से लय भी मजबूत होगा, हाथ में भी बात जान आएगी। अब दो प्रस्तार जो जनरली लोग बजाते हैं उसको भी प्रयोग करें, इसमें एक नया वेरिएशन आएगा। ये दोनों प्रस्तार क्या है कि दो दो पार्ट का राउंडिंग करना है, दो फर्स्ट पार्ट को पहले राउंडिंग कर फिर दो सेकंड पार्ट को, ये दो अलग अलग प्रस्तार बन जाएगा। पहला ये करना है घेना तीटे घेना धागे तीन गिन घेना तीटे घेना धागे तीन गिन घेना तीटे घेना धागे तीन गिन धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन। सेकंड पार्ट इज सेम, केना 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 तीटे केना धागे तीन गिन केना केना तीटे केना धागे तीन गिन केना तीटे केना धागे तीन गिन धात्री कृत धागे न धागे तीन गिन। एक बार बजा के देख लें,
रहेगा। मैंने मंच पे इसको प्रयोग नहीं किया लेकिन मैं करूंगा जरूर, मेरे दिल में बैठेगा ये कायदा, मैं इसका प्रयोग जरूर करूंगा मंच पे। थोड़ा फास्ट में इसको देखें, बहुत अच्छा लगता है, तो इसकी तैयारी करें। दूसरा है मतलब सातवां पलटा जो इसका है, वो सेकंड पार्ट को आप तीन बार राउंडिंग करें। बोल बनेगा घेना तीटे घेना धागे दीना गिना धाती कड़ धागे ना धागे तीना गिना धाती कड़ धागे ना धागे तीना गिना धाती कड़ धागे ना धागे तीना गिना फिर केना तीटे केना धागे तीना गिना धाती कड़ धागे ना धागे तीना गिना धाती कड़ धागे ना धागे तीना गिना धाती कड़ धागे ना धागे तीना गिना। ये तो देख लें इसको, तो इसको भी थोड़ा सा तेज में देख लें क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि और बजाना बजाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज है। फिर से देख लें, तो ये एक सात पलटा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी पलटा को इतना बढ़िया रियाज करें, क्योंकि मैंने जब अभी कुछ देर पहले 5 मिनट इसका किया हूं अभ्यास बनाने के बाद, तो मुझे लगा कि हर एक हाथ में हर एक एक चीज वो आ जाएगा जिसकी आवश्यकता लोगों को है, तबला वादक को होना चाहिए। अब तिहाई तो आप बना भी सकते हैं क्योंकि एडवांस लेसन चल रहा है, तो तिहाई बनाना आसान है, लेकिन फिर भी एक तिहाई मैं बता देता हूँ। तिहाई है गेना तीटे गेना धागे देना गिना धा टिकट धागे ना धागे देना गिना धा ता ता मतलब खाली छोड़ दे, इतना को 3 बार बजा दे, बीच में एक एक मात्रा का गैपिंग छोड़े। एक बार देख लें, गेना तीटे गेना धागे देना गिना धा टिकट धागे ना धागे देना गिना धा गेना तीटे गेना धागे दीना गिना धा टिकट धागे ना धागे दीना गिना धा गेना तीटे गेना धागे दीना गिना धा टिकट धागे ना धागे दीना गिना धा इन्हों जाए। चलिए इसको देख लें, तो इस हिसाब से मुझे लगा कि ये देना चाहिए आप लोग के लिए, और थोड़ा सा फैलाएं ये सब चीज़ को। ये सब चीज़ जनरली लोगों के पास रहता नहीं है, बहुत फेमस घराना नहीं है लोगों के, जुबान पे नहीं है, लेकिन चीज़ एक से एक चीज़ में है, बोल में जान है। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।